संयुक्त अरब अमीरात ने प्रत्यर्पण संधि के तहत एक और आतंकी भारत को सौंप दिया है। इस बार यूएई ने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सदस्य निसार अहमद तांत्रे को भारत को सौंपा है। जैश का यह आतंकी जम्मू कश्मीर के लेथपुरा स्थित सीआरपीएफ कैंप पर दिसंबर 2017 में हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। इस हमले में 5 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि भारतीय जवानों ने 3 हमलावरों को मार गिराया था। वहीं हमले का आरोपी निसार अहमद तांत्रे 1 फरवरी 2019 को यूएई भाग गया था। निसार तांत्रे जैश के दक्षिणी कश्मीर का डिविजनल कमांडर नूर तांत्रे का भाई है। निसार को रविवार को विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। आपको बता दें कि तांत्रे के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने यूएई की सरकार से आग्रह किया था, जिसके बाद यूएई सरकार ने यह कदम उठाया और जैश के कुख्यात सरगना को भारत को सौंप दिया।